हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए अगर आप इन उपायों को करेंगे तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में काफी फायदा होगा। हर माँ जो कि प्रेग्नेंट है वो चाहती है कि उसका होने वाला शिशु नॉर्मल डिलीवरी से हो, मगर आजकल 80% डिलीवरी ऑपरेशन यानी सी सेक्शन से होती है। इसके कारण तो कई है, पर इसका मुख्य कारण है आपकी आजकल की लाइफस्टाइल। नॉर्मल डिलीवरी में आपके योनि से शिशु का जन्म होता है और वही सी सेक्शन यानी ऑपरेशन में आपके पेट को चीरा लगा के वहां से शिशु को निकाला जाता है। पर बहुत सी महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी प्रिफर करती है क्योंकि वो आपके लिए और आपके शिशु के लिए काफी लाभदायक होती है। ऐसे में अगर आप भी प्रेग्नेंट है और चाहती है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो उसके लिए आपको कुछ टिप को फॉलो करना होगा जो कि आपको नॉर्मल डिलीवरी में फायदेमंद हो। तो चलिए जानते हैं ये टिप क्या है। नंबर एक, स्ट्रेस ना ले। प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी स्ट्रेस या टेंशन ना ले। इसके कारण आपके ब्रेन में कोर्टिसोल नामक हार्मोन्स बनता है और ये हार्मोन्स नॉर्मल डिलीवरी के चांस काफी खत्म कर देता है। चाहे कितनी भी परेशानी हो, खुद को शांत रखे, खुश रहने की कोशिश करे। ऐसे परिस्थिति में आपको किताबें पढ़नी चाहिए, दूसरों से बातें करनी चाहिए, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। जो काम आपके दिल को मन को अच्छे लगते हैं वो करें। आपको जो काम अच्छे लगते हैं और वो आप करते हैं तो आपके शरीर में डोपामाइन हार्मोन्स बनने लगता है और डोपामाइन हार्मोन्स बनने से नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी फायदा होता है। डोपामाइन हार्मोन्स ये खुशी को हार्मोन्स है। डोपामाइन हार्मोन्स से शरीर में बहुत से परिवर्तन होते हैं और इसी हार्मोन्स से आपकी डिलीवरी में फायदा होगा और डिलीवरी के बाद स्तनपान में भी इसका लाभ होता है। इसीलिए गर्भावस्था में कभी भी स्ट्रेस ना लें, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए। नंबर दो, आहार। मल्टीग्रेन, ड्राई फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, सब्जियां और मांसाहार, ये गर्भावस्था में लेने वाली कुछ खास चीजें हैं। इनसे परहेज ना करें। मल्टीग्रेन आहार महिलाओं को जरूर लेना चाहिए। जो महिलाएं मांसाहार नहीं करती है उनके लिए ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है। ड्राई फ्रूट्स आप अखरोट, बादाम, काले मनुके खा सकते हैं, लेकिन बादाम को अगर आप खाते हैं तो बादाम को रात को पानी में भिगो के ही मॉर्निंग में इसका सेवन करें। ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन तो होता ही है, उसके साथ DHA भी होता है, इसीलिए मावे यानी ड्राई फ्रूट्स को अपने आहार में जरूर समावेश करें। ड्राई फ्रूट से तो आपको फायदा होता ही है, इससे आपके शिशु के मस्तिष्क के विकास में भी लाभ होता है। डेयरी उत्पादन यानी दूध से बनी हुई चीजें, दूध, दही, पनीर, छाछ, इन जैसे डेयरी उत्पादन आपको अपने आहार में समावेश करना है। प्रेग्नेंट महिलाओं को जरूरी लगने वाले कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन B12 डेयरी प्रोडक्ट में मौजूद होते हैं, इसीलिए दूध का अपने आहार में या फिर दूध से बनने वाली चीजों का अपने आहार में समावेश जरूर करें। अगर आपको दूध से एलर्जी है तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के इसका वैकल्पिक जरूरत पता करें। सब्जियां, प्रेगनेंसी में आम दिनों से कहीं अधिक आयरन की जरूरत होती है, इसीलिए हरी सब्जियों में आयरन काफी अच्छी मात्रा में होता है। इसी कारण हर कोई आपको प्रेगनेंसी में हरी सब्जियां खाने की सलाह देता है, चाहे वो मेथी, पालक या फिर आपकी प्रांतीय जो भी हरी सब्जियां होती है वो अपने आहार में जरूर समावेश करें। मांसाहार, मीट, अंडे, चिकन, मछली प्रेगनेंसी में बहुत सी जरूरतों को पूरा करता है। इसमें प्रोटीन तो अच्छी मात्रा में होता ही है, उसी तरह इसमें फॉलिक एसिड भी बहुत होता है। फॉलिक एसिड गर्भावस्था में लगने वाले खास चीजों में से एक है, इसीलिए अपने आहार में मांसाहार को सीमित मात्रा में जरूर ऐड करें। लिक्विड, गर्भावस्था में पेय पदार्थों का अहम रोल होता है। इस दौरान आपके शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। उसी तरह ताजे फलों का जूस पिए, नारियल पानी अपनी दिनचर्या में शामिल करें। रोज एक ग्लास नारियल पानी पीने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आप दिन भर में 9 ग्लास पानी पिए या फिर 3 बोतल पानी पीने की कोशिश करें। घर में निकाला हुआ जूस पीने की कोशिश करें, पर हाँ, डब्बा बंद जूस या फिर कोल्ड ड्रिंक से परहेज रखें। लिक्विड पीना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेप्सी, कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक, स्लाइस ये पीना है। इन चीजों से बिल्कुल दूर रहें। आप जितना हेल्दी खाएंगे उतना ही आपके और आपके बच्चे के लिए बेहतर होगा। ध्यान रखें कि इस दौरान आपको ओवर ईटिंग ना करें। ओवर ईटिंग से आपका वजन बढ़ जाएगा और अगर आपका वजन ज्यादा बढ़ता है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस काफी कम हो जाते हैं। नंबर 3,
प्रेगनेंसी एजुकेशन की जानकारी लें। सबसे पहले तो लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में गूगल मत करो, मगर प्रेगनेंसी में जानकारी जुटाना उतना ही जरूरी है जितनी बाकी चीजें। प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई किताबें पढ़ें। गूगल पर कई ऐसी बातें होती है जो जानना हमें जरूरी होता है, जिससे आपको डिलीवरी में बहुत मदद मिलेगी। इसीलिए प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई जानकारियाँ इकट्ठा करें। नंबर 4, एक्सरसाइज करें। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत जरूरी है कि आपको एक्सरसाइज भी करना है, क्योंकि इस दौरान आपके शरीर का वजन बढ़ जाता है, जिसके कारण आपको जॉइंट पेन, अकड़न महसूस होती है। इससे बचने के लिए आपको हल्की एक्सरसाइज करना जरूरी है। अपने पेल्विक को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, अपनी थाई को स्ट्रॉन्ग करने वाली एक्सरसाइज जानें, जिससे आपके लेबर पेन में दर्द कम हो। ध्यान रखें कि बिना किसी एक्सपर्ट के गर्भावस्था में एक्सरसाइज कभी न करें, क्योंकि छोटी सी भूल भी आपके आने वाले बच्चे को नुकसानदायक साबित हो सकती है। नंबर 5, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सांसों की इस एक्सरसाइज से बच्चे को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचता है। इससे आपको लेबर के दौरान होने वाले दर्द को भी ज्यादा वक्त तक सहने की क्षमता मिलती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप प्राणायाम के स्वरूप में भी कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में एक नाक से सांस लीजिए और दूसरी नाक से सांस छोड़ने की कोशिश करिए। अगर ये आप रोज 10 मिनट भी करते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी में इसका बहुत फायदा होता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में जब हम पुश करते हैं तो हमें पहले से ही सांस रोकने की और सांस छोड़ने की आदत हो जाती है। नंबर 6, योग निद्रा करें। योग निद्रा में आप आराम से लेट जाएं, अपने शरीर को शिथिल करें और अपने मन में नॉर्मल डिलीवरी का चित्रण करें। जैसे कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेड पर लेटी हुई है और बिना किसी परेशानी की आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई है। इस तरह अगर आप रोज चित्रण करते हैं तो दिमाग उस चीज को रियलिटी मानने लगता है, और जब भी आपकी डिलीवरी का वक्त आता है तो दिमाग को ये पता चल जाता है कि अब हमें नॉर्मल डिलीवरी करना है। इसी तरह योग निद्रा से आप अपने शरीर और दिमाग को नॉर्मल डिलीवरी के काम में लगा सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी एक नैसर्गिक प्रक्रिया है जिसे हमें बहुत शांति से और आरामदायक निभाना होता है, पर कभी किसी वश अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या फिर कभी आपको लग रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है तो अवश्य सी सेक्शन करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।